Subscribe Zee Hindustan and hit the bell icon to never miss any update. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हाल ही में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया में 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ। भारत सहित दुनिया के 71 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। जब इतना बड़ा आयोजन हो, विश्व भर से आए हजारों खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हो, कल्पना कर सकते हैं कैसा माहौल होगा। जोश, जज्बा, उत्साह, आशाएं, आकांक्षाएं, कुछ कर दिखाने का संकल्प, जब इस तरह का माहौल हो तो कौन इससे अपने आप को अलग रख सकता है। एक ऐसा समय था जब देश भर में लोग रोज सोचते थे कि आज कौन कौन से खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, भारत का प्रदर्शन कैसा रहेगा, हम कितने मेडल जीतेंगे। और वह स्वाभाविक भी था, हमारे खिलाड़ियों ने भी देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया और एक के बाद एक मेडल जीतते ही चले गए। चाहे शूटिंग हो, रेसलिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, टेबल टेनिस हो या बैडमिंटन हो, भारत ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। 26 गोल्ड, 20 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज, भारत ने करीब करीब कुल 66 पदक जीते। हर भारतीय को ये सफलता गर्व दिलाती है। पदक जीतना खिलाड़ियों के लिए गर्व और खुशी की बात होती है, यह पूरे देश के लिए, सभी देशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का पल होता है। मैच समाप्त होने के बाद जब पदक के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एथलीट वहां पदक के साथ खड़े होते हैं, तिरंगा झंडा लपेटे होते हैं, राष्ट्रगान की धुन बजती है और वो जो भाव होता है, संतोष और खुशी का, गौरव का, मान सम्मान का, अपने आप में कुछ खास होता है, विशेष होता है, तन मन को झकझोरने वाला होता है, उमंग और उर्मी से भरा हुआ होता है। हम सब एक भाव से भर जाते हैं। शायद उस भावों को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैंने इन खिलाड़ियों से जो सुना, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मुझे तो गर्व होता है, आपको भी गर्व होगा। मैं मनिका मित्रा, जो कॉमनवेल्थ में 4 मेडल लाई है, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। मन की बात प्रोग्राम सुनने वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार इंडिया में टेबल टेनिस इतना पॉपुलर हो रहा है। मैंने अपना बेस्ट टेबल टेनिस खेला होगा, पूरे लाइफ का बेस्ट टेबल टेनिस खेला होगा। जो उससे पहले मैंने प्रैक्टिस करी है उसके बारे में मैं बताऊंगी कि मैंने बहुत अपने कोच संदीप सर के साथ प्रैक्टिस करी है। कॉमनवेल्थ से पहले जो हमारे कैंप्स थे पोर्चुगल में, हमें टूर्नामेंट्स भेजा गवर्नमेंट ने, और मैं थैंक यू गवर्नमेंट को करती हूँ कि उन्होंने इतने सारे इंटरनेशनल एक्सपोजर्स दिए हमें। यंग जनरेशन को बस एक मैसेज दूंगी, कभी गिव अप मत करो, एक्सप्लोर योरसेल्फ। मैं गुरुराज, मन की बात प्रोग्राम सुनने वाले को ये बताना चाहता हूँ, 2018 कॉमनवेल्थ गेम मेरा ये मेडल जीतने का सपना था। मैं पहली बार पहली कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले इंडिया को मेडल देके मैं बहुत खुश हूँ। ये मेडल मेरा गांव कुंदापुरा और मेरा स्टेट कर्नाटका और मेरा कंट्री को ये डेडिकेट करता हूँ। मैंने 21st कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था, तो इसी में मुझे बहुत खुशी हुआ। मेरी भी एक ड्रीम थी इंडिया के लिए और मणिपुर के लिए एक अच्छा वाला प्लेयर्स बनने के लिए। तो हम मैंने सारे मूवी में देखती है, जैसे कि मणिपुर का मेरी दीदी, और वो सब कुछ देखने के बाद मुझे भी ऐसे सोचा था कि इंडिया के लिए, मणिपुर के लिए अच्छा वाला प्लेयर बनना चाहती हूँ। ये मेरा सक्सेसफुल होने के कारण मेरा डिसिप्लिन भी है और सिंसियरिटी, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन तो था ही, साथ यह विशेष भी था। विशेष इसलिए कि इस बार कई चीजें थी जो पहली बार हुई। क्या आप जानते हैं कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम में भारत की तरफ से जितने रेसलर्स थे, सबके सब मेडल जीत के आए हैं। मनिका बत्रा ने जितने भी इवेंट में कॉम्पीट किया, सभी में मेडल जीता। वह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने
इंडिविजुअल टेबल टेनिस में भी भारत को गोल्ड दिलाया है। भारत को सबसे ज्यादा मेडल शूटिंग में मिले। 15 वर्षीय भारतीय शूटर अनिस भानवाला कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाले यंगेस्ट खिलाड़ी बने। सचिन चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने के लिए एकमात्र भारतीय पैरा पावर लिफ्टर है। इस बार के गेम्स में विशेष इसलिए भी थे कि अधिकतर मेडलिस्ट महिला एथलीट थी। स्क्वाश हो, बॉक्सिंग हो, वेटलिफ्टिंग हो, शूटिंग हो, महिला खिलाड़ियों ने कमाल करके दिखाया। बैडमिंटन में तो फाइनल मुकाबला भारत की ही दो खिलाड़ियां साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बीच हुआ। सभी उत्साहित थे कि मुकाबला तो है लेकिन दोनों मेडल भारत को ही मिलेंगे। पूरे देश ने देखा, मुझे भी देख करके बहुत अच्छा लगा। गेम्स में भाग लेने वाले एथलीट देश के अलग अलग भागों से, छोटे छोटे शहरों से आए हैं, अनेक बाधाओं परेशानियों को पार कर यहां तक पहुंचे हैं और आज उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, वे जिन लक्ष्यों तक पहुंचे हैं, उनकी इस जीवन यात्रा में चाहे उनके माता पिता हो, उनके गार्डियन हो, कोच हो, सपोर्ट स्टाफ हो, स्कूल हो, स्कूल के शिक्षक हो, स्कूल का वातावरण हो, सभी का योगदान है। उनके दोस्तों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में उनका हौसला बुलंद रखा। मैं उन खिलाड़ियों के साथ साथ उन सबको भी ढेरों बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पिछले महीने मन की बात के दौरान मैंने देशवासियों से, खास करके हमारे युवाओं से, फिट इंडिया का आह्वान किया था और मैंने हर किसी को निमंत्रण दिया था, आइए फिट इंडिया से जुड़िए, फिट इंडिया को लीड कीजिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग बड़े उत्साह के साथ इसके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपना सपोर्ट दिखाते हुए मुझे लिखा है, पत्र भेजे हैं, सोशल मीडिया पर अपना फिटनेस मंत्र, फिट इंडिया स्टोरीज भी शेयर की है। एक सज्जन श्रीमान शशिकांत भोसले ने स्विमिंग पूल की अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, माई वेपन इज माई बॉडी, माई एलिमेंट इज वॉटर, माई वर्ल्ड इज स्विमिंग। रूमा देवनाथ लिखती हैं, मॉर्निंग वॉक से मैं खुद को हैप्पी और हेल्दी महसूस करती हूँ। और वो आगे कहती हैं, फॉर मी फिटनेस कम्स विद अ स्माइल एंड वी शुड स्माइल व्हेन वी आर हैप्पी। देवनाथ जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हैप्पीनेस ही फिटनेस है। धवल प्रजापति ने ट्रैकिंग की अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, मेरे लिए ट्रैवलिंग और ट्रैकिंग ही फिट इंडिया है। यह देख करके काफी अच्छा लगा कि कई जानी मानी हस्तियां भी बड़े रोचक ढंग से फिट इंडिया के लिए हमारे युवाओं को प्रेरित कर रही हैं। सिने कलाकार अक्षय कुमार ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है, मैंने भी उसे देखा है और आप सब भी जरूर देखेंगे। इसमें वो वुडन बीड्स के साथ एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि यह एक्सरसाइज पीठ और पेट की मांसपेशियों के लिए काफी लाभदायक है। एक और उनका वीडियो भी प्रचलित हो गया है जिसमें वो लोगों के साथ वॉलीबॉल पर हाथ आजमा रहे हैं। बहुत से और युवाओं ने भी फिट इंडिया एफर्ट्स के साथ जुड़ करके अपने अनुभवों को शेयर किया है। मैं समझता हूं कि इस तरह के आंदोलन हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए बेहद फायदेमंद है। और एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, बिना खर्चे का फिट इंडिया का मूवमेंट का नाम है योग। फिट इंडिया अभियान में योग का विशेष महिमा है और आप भी तैयारी में लग गए होंगे। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महात्म्य तो अब पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। आप भी अभी से तैयारी कीजिए, अकेले नहीं, आपका शहर, आपका गांव, आपका इलाका, आपकी स्कूल, आपकी कॉलेज, हर कोई किसी भी उम्र का, पुरुष हो स्त्री हो, योग से जोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, मानसिक संतुलन के लिए योग का क्या उपयोग है अब हिंदुस्तान में और दुनिया में बताना नहीं पड़ता है। और आपने देखा होगा कि एक एनिमेटेड वीडियो जिसमें मुझे दिखाया गया है, वो इन दिनों काफी प्रचलित हो रहा है। एनिमेशन वालों को मैं इसलिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत बारीकी से जो काम एक टीचर कर सकता है वो एनिमेशन से हो रहा है। आपको भी जरूर इसका लाभ मिलेगा। मेरे नौजवान साथियों, आप तो अब एग्जाम 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 के चक्कर से निकल करके अब छुट्टियों की चिंता में लगे होंगे, छुट्टियां कैसे मनाना, कहाँ जाना सोचते होंगे। मैं आज आपको एक नए काम के लिए निमंत्रण देने के लिए बात करना चाहता हूँ।
और मैंने देखा है कि बहुत सारे नौजवान इन दिनों कुछ न कुछ नया सीखने के लिए भी अपना समय बिताते हैं। समर इंटर्नशिप का महत्व बढ़ता चला जा रहा है और नौजवान भी उसकी तलाश करते रहते हैं। और वैसे भी इंटर्नशिप अपने आप में एक नया अनुभव होता है। चार दीवारी के बाहर, कागज कलम से, कंप्यूटर से दूर, जिंदगी को नए तरीके से जीने का, अनुभव करने का अवसर मिलता है। मेरे नौजवान साथियों, एक विशेष इंटर्नशिप के लिए मैं आज आपसे आग्रह कर रहा हूं। भारत सरकार के 3 मंत्रालय, स्पोर्ट्स हो, HRD हो, ड्रिंकिंग वाटर का डिपार्टमेंट हो, सरकार के 3-4 मंत्रालय ने मिलकर के एक स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप 2018 ये लॉन्च किया है। कॉलेज के छात्र छात्राएं, NCC के नौजवान, NSS के नौजवान, नेहरू युवा केंद्र के नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, देश के लिए, और कुछ सीखना चाहते हैं, समाज के बदलाव में जो अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, निमित्त बनना चाहते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के समाज में कुछ न कुछ कर गुजरने का इरादा है, उन सबके लिए अवसर है। और इससे स्वच्छता को भी बल मिलेगा। और जब हम 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे, उसके पहले हमें कुछ करने का संतोष मिलेगा। और मैं ये भी बता दूं कि जो उत्तम से उत्तम इंटर्न्स होंगे, जो कॉलेज उत्तम काम किया होगा, विश्वविद्यालय ने किया होगा, ऐसे सबको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए जाएंगे। इस इंटर्नशिप को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रत्येक इंटर्न को स्वच्छ भारत मिशन द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो इंटर्न इसे अच्छे से पूरा करेंगे, UGC उन्हें 2 क्रेडिट पॉइंट भी देगा। मैं छात्रों को, छात्राओं को, नौजवानों को फिर एक बार निमंत्रण देता हूं, इंटर्नशिप के लिए आप इसका लाभ उठाएं। आप MyGov पर जाकर स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे युवा स्वच्छता के इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। आपके प्रयासों के बारे में जानने के लिए मैं भी इच्छुक हूं। आप अपनी जानकारियां जरूर भेजिए, स्टोरी भेजिए, फोटो भेजिए, वीडियो भेजिए। आइए एक नए अनुभव के लिए इन छुट्टियों को सीखने का अवसर बना दें। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी मौका मिलता है तो दूरदर्शन पर गुड न्यूज इंडिया इस कार्यक्रम को जरूर देखता हूं। और मैं तो देशवासियों से भी अपील करूंगा कि गुड न्यूज इंडिया भी हमने देखना चाहिए। और वहां में पता चलता है कि हमारे देश के किस किस कोने में कितने कितने लोग किस किस प्रकार से अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बातें हो रही हैं। मैंने पिछले दिनों देखा, दिल्ली के ऐसे युवाओं की कहानी दिखा रहे थे जो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए निस्वार्थ भाव से जुटे हुए हैं। इन नौजवानों के समूह ने दिल्ली में स्ट्रीट चाइल्ड को और झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। शुरुआत में तो उन्होंने सड़कों पर भीख मांगने वाले या छोटे मोटे काम करने वाले बच्चों की हालत ने उनको ऐसा झकझोर दिया कि वो इस रचनात्मक काम के अंदर खप गए। दिल्ली की गीता कॉलोनी के पास की झुग्गियों में 15 बच्चों से प्रारंभ हुआ यह अभियान आज राजधानी के 12 स्थानों पर 2000 बच्चों से जुड़ चुका है। इस अभियान से जुड़े युवा शिक्षक अपनी व्यस्त दिनचर्या से 2 घंटे का फ्री टाइम निकालकर सामाजिक बदलाव के इस भगीरथ प्रयास में जुटे हुए हैं। भाइयों बहनों, उसी प्रकार से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के कुछ किसान देश भर के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उन्होंने संगठित प्रयासों से न सिर्फ अपना बल्कि अपने क्षेत्र का भी भाग्य बदल डाला। उत्तराखंड के बागेश्वर में मुख्य रूप से मंडुआ, चौलाई, मक्का या जौ की फसल होती है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से किसानों को इसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, लेकिन कपकोट तहसील के किसानों ने इन फसलों को सीधे बाजार में बेचकर घाटा सहने के बजाय उन्होंने मूल्य वृद्धि का रास्ता अपनाया, वैल्यू एडिशन का रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या किया, इन्हीं खेत पैदावार में से बिस्किट बनाना शुरू किया और बिस्किट बेचना शुरू किया। उस इलाके में तो ये पक्की मान्यता है कि आयरन रिच है और आयरन रिच लोह तत्व से सभर ये बिस्किट गर्भवती महिलाओं के लिए तो एक प्रकार से बहुत उपयोगी होते हैं। इन किसानों ने मुनार गांव में एक सहकारी संस्था बनाई है और वहां बिस्किट बनाने की फैक्ट्री खोल ली है। किसानों की हिम्मत देखकर प्रशासन ने भी इसे राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जोड़ दिया है। ये बिस्किट अब न सिर्फ बागेश्वर जिले के लगभग 50 आंगनबाड़ी केंद्रों में बल्कि अल्मोड़ा और कोसानी तक पहुंचाए जा रहे हैं।
किसानों की मेहनत से संस्था का सालाना टर्नओवर न केवल 10 से 15 लाख रुपए तक पहुंच चुका है बल्कि 900 से अधिक परिवारों को रोजगार के अवसर मिलने से जिले से होने वाला पलायन भी रुकना शुरू हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम सुनते हैं कि भविष्य में दुनिया में पानी के लेकर के युद्ध होने वाले हैं, हर कोई ये बात बोलता है, लेकिन क्या हमारी कोई जिम्मेवारी है क्या? क्या हमें नहीं लगता है कि जल संरक्षण ये सामाजिक जिम्मेवारी होनी चाहिए, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी होनी चाहिए? बारिश की एक एक बूंद हम कैसे बचाएं? और हम में से सबको पता है कि हम भारतीयों के दिल में जल संरक्षण ये कोई नया विषय नहीं, वो किताबों का विषय नहीं है, भाषण का विषय नहीं रहा, सदियों से हमारे पूर्वजों ने इसे जी करके दिखाया है। एक एक बूंद पानी के महात्म्य को उन्होंने प्राथमिकता दी है, उन्होंने ऐसे नए 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 उपाय ढूंढे हैं कि पानी की एक एक बूंद को कैसे बचाया जाए। आप में से शायद जिन लोगों को तमिलनाडु में जाने का अवसर मिलता होगा तो तमिलनाडु में कुछ मंदिर ऐसे हैं कि जहां मंदिरों में सिंचाई व्यवस्था, जल संरक्षण व्यवस्था, सूखा प्रबंधन, इसके बड़े बड़े शिलालेख मंदिरों में लिखे गए हैं। मन्नार कोविल, चेरान महादेवी, कोविल पट्टी या पुडुकोट्टई हो, सब जगह पे बड़े बड़े शिलालेख आपको दिखाई देंगे। आज भी विभिन्न बावड़ियां, स्टेपल्स पर्यटन स्थल के रूप में तो परिचित है, लेकिन ये न भूलें कि ये जल संग्रह के बड़े हमारे पूर्वजों के अभियान के जीते जागते सबूत है। गुजरात में अडालज और पाटन की रान की वाव जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इनकी भव्यता देखते ही बनती है। एक प्रकार से बावड़ियां जल मंदिर ही तो है। अगर आप राजस्थान जाएं तो आप जोधपुर में चांद बावड़ी जरूर जाइएगा, यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बावड़ी में से एक है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह उस धरती पर है जहां पानी की किल्लत रहती है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये समय ऐसा होता है कि वर्षा के पानी को संग्रह करने का उत्तम अवसर होता है, और अगर हम एडवांस में जितनी तैयारियां करें उतना हमें फायदा मिलता है। मनरेगा का बजट भी इस जल संरक्षण के लिए काम आता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान जल संरक्षण और जल प्रबंधन की दिशा में हर किसी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए हैं। हर साल मनरेगा बजट से हटकर जल संरक्षण और जल प्रबंधन पर औसतन 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2017-18 की बात करें तो मैं 64,000 करोड़ रुपए के कुल व्यय का 55% यानी करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए जल संरक्षण जैसे कामों पर खर्च किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस तरह के जल संरक्षण और जल प्रबंधन उपायों के माध्यम से करीब करीब 150 लाख हेक्टेयर भूमि को अधिक मात्रा में लाभ मिला है। जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए भारत सरकार के द्वारा जो मनरेगा में धनराशि मिलती है, कुछ लोगों ने इसका बहुत अच्छा फायदा उठाया है। केरल में कुट्टेमपेरूर उस नदी पर 7,000 मनरेगा के काम करने वाले लोगों ने 70 दिनों तक कड़ी मेहनत करके उस नदी को पुनर्जीवित कर दिया। गंगा और यमुना पानी से भरी हुई नदियां हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई और इलाके भी हैं, जैसे फतेहपुर जिला का ससुर खदेरी नाम की 2 छोटी नदियां सूख गई। जिला प्रशासन ने मनरेगा के तहत बहुत बड़ी संख्या में मिट्टी और जल संरक्षण के कार्य का बीड़ा उठाया। करीब करीब 40-45 गांवों के लोगों की मदद से ये ससुर खदेरी नदी जो सूख चुकी थी उसको पुनर्जीवित किया। पशु हो, पक्षी हो, किसान हो, खेती हो, गांव हो, कितनी बड़ी आशीर्वाद भरी ये सफलता है। मैं यही कहूंगा कि फिर एक बार अप्रैल, मई, जून, जुलाई हमारे सामने हैं। जल संचय, जल संरक्षण के लिए हम भी कुछ जिम्मेवारी उठाएं, हम भी कुछ योजना बनाएं, हम भी कुछ करके दिखाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मन की बात होती है तो मुझे चारों तरफ से संदेश आते हैं, चिट्ठियां आते हैं, फोन आते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के देवी तौला गांव के आयन कुमार बनर्जी ने माय गांव पर अपने कमेंट में लिखा है, हम हर वर्ष रविंद्र जयंती मनाते हैं, लेकिन कई लोग नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की पीसफुली, ब्यूटीफुली और इंटीग्रिटी के साथ जीने की फिलॉसफी के बारे में
जानते ही नहीं है। कृपया मन की बात कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा करें ताकि लोग उसके बारे में जान सके। मैं आयन जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मन की बात के सभी साथियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। गुरुदेव टैगोर ज्ञान और विवेक से संपूर्ण व्यक्तित्व वाले थे, जिनकी लेखनी ने हर किसी पर अपनी अमीर छाप छोड़ी। रविंद्रनाथ एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे, बहुआयामी व्यक्तित्व थे, लेकिन उनके भीतर एक शिक्षक हर पल अनुभव कर सकते हैं हम। उन्होंने गीतांजलि में लिखा, ही हु हैज द नॉलेज हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्पार्ट इट टू द स्टूडेंट्स। अर्थात जिसके पास ज्ञान है उसकी जिम्मेदारी है कि वह उसे जिज्ञासुओं के साथ बांटे। मैं बांग्ला भाषा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जब छोटा था तो मुझे बहुत जल्दी उठने की आदत रही बचपन से, और पूर्वी हिंदुस्तान में रेडियो जल्दी शुरू होता है, पश्चिम हिंदुस्तान में देर से शुरू होता है। तो सुबह मोटा मोटा मुझे अंदाज है शायद 5:30 बजे रविंद्र संगीत प्रारंभ होता था रेडियो पर, और मुझे उसकी आदत थी। भाषा तो नहीं जानता था, सुबह जल्दी उठ करके रेडियो पर रविंद्र संगीत सुनने की मेरी आदत हो गई थी। और जब आनंद लोके और आगुनेर परोश मोनि ये कविताएं सुनने का जब अवसर मिलता था तो मन को बड़ी ही चेतना मिलती थी। आपको भी रविंद्र संगीत ने, उनकी कविताओं ने जरूर प्रभावित किया होगा। मैं रविंद्रनाथ टैगोर को आदरपूर्वक अंजलि देता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। विश्व भर में रमजान का महीना पूरी श्रद्धा और सम्मान से मनाया जाता है। रोजे का सामूहिक पहलू यह है कि जब इंसान खुद भूखा होता है तो उसको दूसरों की भूख का भी एहसास होता है, जब वो खुद प्यासा होता है तो दूसरों की प्यास का उसे एहसास होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके संदेश को याद करने का यह अवसर है। उनके जीवन से समानता और भाईचारे के मार्ग पर चलना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। एक बार एक इंसान ने पैगंबर साहब से पूछा, इस्लाम में कौन सा कार्य सबसे अच्छा है? पैगंबर साहब ने कहा, किसी गरीब और जरूरतमंद को खिलाना और सभी से सद्भाव से मिलना, चाहे आप उन्हें जानते हो या न जानते हो। पैगंबर मोहम्मद साहब ज्ञान और करुणा में विश्वास रखते थे, उन्हें किसी बात का अहंकार नहीं था। वे कहते थे कि अहंकार ही ज्ञान को पराजित करता रहता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का मानना था कि यदि आपके पास कोई भी चीज आपकी आवश्यकता से अधिक है तो आप उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें। इसलिए रमजान में दान का भी काफी महत्व है। लोग इस पवित्र माह में जरूरतमंदों को दान देते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का मानना था, कोई व्यक्ति अपनी पवित्र आत्मा से अमीर होता है, न कि धन दौलत से। मैं सभी देशवासियों को रमजान के पवित्र महीने की शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे आशा है कि यह अवसर लोगों को शांति और सद्भावना के उनके संदेशों पर चलने की प्रेरणा देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, बुद्ध पूर्णिमा प्रत्येक भारतीय के लिए एक विशेष दिवस है। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत करुणा, सेवा और त्याग की शक्ति दिखाने वाले महामानव भगवान बुद्ध की धरती है, जिन्होंने विश्व भर में लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया। ये बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध को स्मरण करते हुए उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करने का, संकल्प करने का और चलने का हम सबका दायित्व को पुनः स्मरण कराता है। भगवान बुद्ध समानता, शांति, सद्भाव और भाईचारे की प्रेरणा शक्ति है। ये वैसे मानवीय मूल्य हैं जिनकी आवश्यकता आज के विश्व में सर्वाधिक है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जोर देकर कहते हैं कि उनके सोशल फिलोसॉफी में भगवान बुद्ध की बड़ी प्रेरणा रही है। उन्होंने कहा था, माई सोशल फिलोसॉफी मे बी सेड टू बी एनश्राइंड इन 3 वर्ड्स, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। माई फिलोसॉफी हैज रूट्स इन रिलीजन एंड नॉट इन पॉलिटिकल साइंस।
I have derived them from the teaching of my master, the Buddha. बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, हाशिए पर खड़े करोड़ों लोगों को सशक्त बनाया। करुणा का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। लोगों की पीड़ा के लिए यह करुणा भगवान बुद्ध के सबसे महान गुणों में से एक थी। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों की यात्रा करते रहते थे। वो अपने साथ भगवान बुद्ध के समृद्ध विचारों को लेकर के जाते थे और ये सभी काल में होता रहा है। समूचे एशिया में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमारे विरासत में मिली हैं। वो हमें अनेक एशियाई देशों जैसे चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, कई अनेक देश, वहां बुद्ध की इस परंपरा, बुद्ध की शिक्षा जड़ों में जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि हम बुद्धिस्ट टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण स्थानों को भारत के खास बौद्ध स्थलों के साथ जोड़ता है। मुझे इस बात की भी अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत सरकार कई बौद्ध मंदिरों के पुनरुद्धार कार्यों में भागीदार है। इसमें म्यांमार में बागान में सदियों पुराना वैभवशाली आनंदा मंदिर भी सम्मिलित है। आज विश्व में हर जगह टकराव और मानवीय पीड़ा देखने को मिलती है। भगवान बुद्ध की शिक्षा घृणा को दया से मिटाने की राह दिखाती है। मैं दुनिया भर में फैले हुए भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखने वाले, करुणा के सिद्धांतों में विश्वास करने वाले सबको बुद्ध पूर्णिमा की मंगलमय कामना करता हूं। भगवान बुद्ध से पूरी दुनिया के लिए आशीर्वाद मांगता हूं ताकि हम उनकी शिक्षा पर आधारित एक शांतिपूर्ण और करुणा से भरे विश्व का निर्माण करने में अपनी जिम्मेवारी निभा सके। आज जब हम भगवान बुद्ध को याद कर रहे हैं, आपने लाफिंग बुद्धा की मूर्तियों के बारे में सुना होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि लाफिंग बुद्धा गुड लक लाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि स्माइलिंग बुद्धा भारत के रक्षा इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटना से भी जुड़ी हुई है। अब आप सोचते रहे होंगे कि स्माइलिंग बुद्धा और भारत की सैन्य शक्ति के बीच क्या संबंध है। आपको याद होगा आज से 20 वर्ष पहले 11 मई 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था। उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव, पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया था। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय में एक नए आत्मविश्वास उजागर हुआ था। वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा का, 11 मई 1998, भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। उसे 20 वर्ष हो रहे हैं और ये परीक्षण भगवान बुद्ध के आशीर्वाद के साथ बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। भारत का परीक्षण सफल रहा और एक तरह से कहें तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। हम कह सकते हैं कि वो दिन भारत के इतिहास में उसकी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के रूप में अंकित है। भगवान बुद्ध ने दुनिया को दिखाया है इनर स्ट्रेंथ, अंतर्मन की शक्ति शांति के लिए आवश्यक है। इसी तरह जब आप एक देश के रूप में मजबूत होते हैं तो आप सबके साथ शांतिपूर्ण रह भी सकते हैं। मई 1998 का महीना देश के लिए सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है इस महीने में परमाणु परीक्षण हुए, बल्कि वो जिस तरह से किए गए थे वो महत्वपूर्ण है। इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत की भूमि महान वैज्ञानिकों की भूमि है और एक मजबूत नेतृत्व के साथ भारत नित नए मुकाम और ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंत्र दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आज जब हम 11 मई 1998 उसका 20वां वर्ष मनाने जा रहे हैं, तब भारत की शक्ति के लिए अटल जी ने जो जय विज्ञान का हमें मंत्र दिया है, उसे आत्मसात करते हुए आधुनिक भारत बनाने के लिए, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, समर्थ भारत बनाने के लिए हर युवा योगदान देने का संकल्प करें, अपने सामर्थ्य को भारत के सामर्थ्य का हिस्सा बनाएं। देखते ही देखते जिस यात्रा को अटल जी ने प्रारंभ किया था, उसे आगे बढ़ाने का एक नया आनंद, नया संतोष हम भी प्राप्त कर पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, फिर मन की बात में मिलेंगे, तब और बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।